हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आप देख रहे हैं अखिलॉजी। दोस्तों, कल यूट्यूब पर मैंने फिल्म देखी आदि पुरुष प्रभास सर की, और ये वही फिल्म है जिसके बारे में इतने सारे यूट्यूबर्स और बाकी लोगों ने मीडिया ने वगैरह कहा कि ऐसी फिल्म है वैसी फिल्म है, जिसकी वजह से मेरे अंदर एक सस्पेंस क्रिएट हो गया कि ये फिल्म तो मैं देखूंगा ही, लेकिन हॉल में नहीं देखूंगा। इतना तो मेरे पे भी इम्पैक्ट पड़ गया था बाकी लोगों की समीक्षाओं से या रिव्यू जिन्होंने किए थे उनके हिसाब से। फिर मैंने क्या किया कि ओटीटी का वेट किया, लेकिन कल सर्च कर रहा था तो यूट्यूब पर ये फिल्म दिख गई। तो जब मैं फिल्म देखने स्टार्ट किया तो भाई साहब, सही बताऊं मैं, मेरे को भी वैसा ही लगा जैसे बाकी सभी लोगों को लगा। ये फिल्म बच्चों को पता नहीं कैसा ध्यान में रख के बनाई है शायद, और बच्चों को भी मतलब उस तरीके से नहीं बनाई कि बच्चे कुछ सीखे या कुछ ज्ञान ले, एकदम कार्टून टाइप के बना के रख दी है। ना तो ये फिल्म की तरह लग रही थी ना कार्टून की तरह। और रामायण शब्द सुनकर जो प्रभु राम की जो छवि बनती है या जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उस हिसाब से देखा जाए तो भक्ति भाव तो बिल्कुल ही नहीं आया इस फिल्म को देखते समय, और ना ही कोई मतलब कोई असर नहीं हुआ, बल्कि बस जैसे तैसे मैंने खत्म करी। और जो इसके VFX या ये कह लो, उसमें भी कुछ ऐसा नयापन नहीं था जिसकी वजह से मैं कह सकूं कि हाँ हरियाली थी। अगर वन में जा रहे थे, वनवास हुआ था, तो हरियाली हो या ज्यादा लंका हो तो बहुत भव्य लंका दिखाई गई है, ऐसा कुछ नहीं। और युद्ध में भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, जबकि युद्ध में तो ऐसा होना चाहिए, जोश आना चाहिए। और कितनी रणनीति की बातें, ज्ञान की बातें आदान प्रदान की गई है रामायण के थ्रू, जो हमने रामानंद सागर जी की रामायण देखी। तो ओवरऑल मेरा फैसला सही था कि मैंने ये फिल्म सिनेमा हॉल में नहीं देखी और OTT से देखने से पहले YouTube पर ही देख ली, तो वो भी मेरा फैसला मुझे ऐसा लगता है सही रहा। तो दोस्तों, बस इतना ही कहना था उसके बारे में। जय हिंद, वंदे मातरम।